नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड केसरी और मैं हूं आपके साथ एकता। मैं लेकर आई हूं बॉलीवुड के कुछ लेटेस्ट अपडेट। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शायद ही किसी को ये शो पसंद नहीं हो और शो के साथ साथ लोगों को इसके किरदार भी उतने ही पसंद आते थे। वैसे तो इस शो की TRP हमेशा से ही हाई रहती है, लेकिन इधर शो के कई अहम किरदारों ने शो को अलविदा कह दिया है, जिसके कारण इसकी TRP और फैन फॉलोइंग काफी कम हो गई है। वहीं तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अहम रोल निभाने वाली दिशा वकानी, जिन्हें हम दया बेन के नाम से जानते हैं, उन्होंने भी आज से 5 साल पहले शो को अलविदा कह दिया था। ऐसे में अब दिशा के शो में वापस आने की बातें भी सामने आ रही है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि दिशा ने शो में वापसी से पहले 3 शर्तें भी रखी है। तो क्या है वो 3 शर्तें, जानते समझते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल दिशा इस सीरियल में लीड रोल निभा चुकी हैं, वहीं एक्ट्रेस जेठालाल की वाइफ बनी हुई थी और उनकी गजब की फैन फॉलोइंग भी थी। हालांकि साल 2017 में मैटरनिटी लीव लेने के बाद से दिशा ने इस सीरियल में वापसी नहीं की है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सीरियल के मेकर्स ने दिशा की वापसी की कोशिशें नहीं की थी। कई कोशिशें के बाद भी जब दिशा ने सीरियल में वापसी करने से मना कर दिया था और फिर बार बार दिशा के मना करने के बाद भी मेकर्स ने यह तय कर लिया था कि अब वे शो में नए दया बेन के चेहरे से शो को आगे बढ़ाएंगे। वहीं शर्तों में दया बेन ने सबसे पहली शर्त ये रखी थी कि दिशा वकानी प्रति एपिसोड 1.5 लाख रुपए चार्ज करेंगी। वहीं दूसरी शर्त ये थी कि दिशा वकानी दिन में मात्र 3 घंटे ही काम करेंगे और तीसरी शर्त ये थी कि एक्ट्रेस के बच्चे के लिए सेट पर ही अलग से नर्सरी हो, जहां वो अपनी नैनी के साथ रह पाए। बहरहाल अब ये वक्त ही बताएगा कि दिशा की अब इस शर्त मेकर्स मंजूर करते हैं या नहीं। लेकिन आप दिशा को शो में वापस देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वाला अभी के इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं एकता त्रिपाठी, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।